ये कहते हुए सीना चौड़ा होता। मुझे गर्व है इस बात का, मुझे घमंड है इस बात का कि आज वही भारतवर्ष चलता है तो हमारे बाबा साहब के लिए संविधान के द्वारा चलता है। मेरे साथियों, निश्चित तौर पर हम सबको अपने इतिहास के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, संविधान में उन्होंने केवल एक वर्ग के लिए जो स्थायी दी, बाबा साहब ने सर्व समाज के गरीब लोग, सर्व समाज के दबे कुचले लोगों को अधिकार दिलाने का काम किया। साथियों, आपको पता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संघर्ष करते करते 6 दिसंबर सन 1956 को हमारे बीच से चले गए। बहुत लंबे समय तक एक गैप आया, एक गैप आया। बाबा साहब की बात नहीं आगे बढ़ रही थी। बाबा साहब ने आगरा के अंदर कहा था कि हे मेरे अनुयायियों, अगर इस मिशन को आगे ना ले जा पाना तो इसको पीछे भी करने का काम मत करना। हमारे बीच में दूसरे मसीहा के रूप में माननीय काशीराम साहब आए, और माननीय काशीराम साहब ने जब काम करना शुरू किया 14 अप्रैल 1984 को, जो बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, माननीय काशीराम साहब और माननीय बहन जी भी उसमें थी। तो जब माननीय काशीराम साहब और माननीय बहन जी ने काम शुरू किया तो लोग हंसते थे, कहते थे अरे ये राजनीति करेंगे, पार्टी बनाएंगे। लेकिन माननीय काशीराम साहब और बहन कुमारी मालती जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाने का कहा। फिर लोग हंसे कि ठीक है, इन्होंने पार्टी को बना ली है, लेकिन इनके कभी ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत नहीं बनेंगे। माननीय काशीराम साहब और बहन जी ने ग्राम पंचायत और प्रधान के भी प्रतिनिधि बनाने का काम किया। लोगों ने कहा कि इन्होंने ग्राम प्रधान और पंचायत तो बना लिए हैं, लेकिन इनके कभी विधायक नहीं बनेंगे, विधायक भी बनाने का काम किया। फिर लोगों ने कहा कि ठीक है, विधायक बन गए, इनके सांसद नहीं बनेंगे, सांसद भी बनाने का काम किया। और लोगों ने कहा इनके विधायक और सांसद बन गए लेकिन इनकी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन माननीय बहन कुमारी मालती जी ने बाबा साहब से आशीर्वाद लेकर के, बाबा साहब को बताया रास्ते पर चल करके, माननीय काशीराम साहब के बताए रास्ते पर चल के माननीय बहन कुमारी मालती जी ने उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में 4 बार सरकार बनाकर के इतिहास लिखने का काम किया। और साथियों, इतिहास लिखा। आप जानते हैं, जब 2007 की सरकार बनी, माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी उसमें कैबिनेट मंत्री थे, और माननीय बहन कुमारी मालती जी ने बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब जो हम सब के मसीहा है, बाबा साहब के सम्मान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाने का काम। और जब स्थल बना रहे थे तो आप जानते हैं लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, लोग क्या कहते थे। साथियों, मैं तो, मेरी अभी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, बहुत सारे हमारे जिम्मेदार साथी बैठे हैं। माननीय बहन जी का आशीर्वाद है कि कम उम्र में इतना बड़ा जिम्मेदारी लेनी, उन्हीं का आशीर्वाद है कि जिस परिवार में आपका कोई ग्राम प्रधान नहीं हुआ, उसके समान उस परिवार के बच्चे को माननीय बहन जी ने एमएलसी भी बनाने का काम किया और विधान परिषद के अंदर बेहतर बनाया। तो मेरे साथियों, जब माननीय बहन कुमारी मालती जी ने सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाया, हम सबका तीर्थ स्थल बनाया। साथियों, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन टीवी और किताब के माध्यम से इस बात को जरूर जानता हूं कि टीवी पर दिखाया गया और किताबों में भी पढ़ा है कि कहते थे जब रावण का अत्याचार हुआ तो उसको मिटाने के लिए जन्म किसका हुआ, राम का जन्म। और लोग ये भी बताते हैं कि जब धरती पर कंस का अत्याचार हुआ तो उसको मिटाने के लिए किसका जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ। साथियों, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं उस दोनों बातों को जान करके मैं तो तुरंत समझ गया था कि जब सर्व समाज के गरीबों, सर्व समाज के मजबूर लोगों पर जब अत्याचार हुआ तो हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बने, और उनके सम्मान में स्मारक बनाने का काम माननीय बहन कुमारी मालती जी ने किया। और साथियों, पूरे भारत के साथ माननीय बहन जी ने सरकार बनाने का काम किया। 2009 में सबने नारा दिया कि यूपी हुई हमारी है अब दिल्ली की बारी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि साथियों समय कम है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे किसी भी दल का विधायक जो हम लोगों से मिलते हैं, वो इस बात को निश्चित रूप में कहते हैं कि अगर पूरे प्रदेश के अंदर विकास कराने का काम किया है तो केवल और केवल बहन कुमारी मायावती जी। साथियों, जब जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनती थी तो आपको पता है कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी के डर से जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी का वर्ण घोटाला होता था तो अधिकारियों की बीवी क्या गाती थी कि जय 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 हनुमान गोसाई, बहन जी से जान दी जाए। हम
करें क्या सर? चलिए एक मिनट सलाम करते हैं। साथियों, आप सब जानते हैं जब बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती थी, जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती थी तो उत्तर प्रदेश के सारे अपराधी प्रदेश को छोड़ करके चले जाते थे, नेपाल चले जाते थे और बहुत सारे लोग तो प्रदेश से बाहर चले जाते थे। आप मेरे साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर वो माहौल रहता था कि पुलिस की तो बात छोड़िए, आम आदमी की बात छोड़िए, अगर कोई अपराध उस प्रदेश में जिले में बच जाता था तो छोटे से छोटा बच्चा खड़े होकर के उस अपराधी के आंख में आंख मिला करके ये जरूर पूछता था कि अब तेरा क्या होगा था, ये जरूर पूछता था। ये मानव है तुम्हारी गांधी जी का एक बात था। मेरे साथियों, 2019 का चुनाव, 2019 का चुनाव है और बाबा साहब ने कहा था कि अपने घरों के दीवारों पर लिख दो कि 21वीं सदी हमारी है, अपनी दीवारों पर लिख दो कि 21वीं सदी हमारी है। इसलिए मेरे साथियों, जो हमारे नौजवान साथी यहां पर बैठे हैं, आज पूरा देश इस बात को मान रहा है कि भारत माता, अभी पूरा देश, पूरे देश की सारी पार्टियां इस बात को मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी के विकल्प में अगर सबसे बड़ा कोई नेता है तो केवल और केवल बहन कुमारी मायावती जी है, इसके अलावा कोई दूसरा नेता नहीं है। इसलिए मेरे साथियों, इस नारे के साथ हम लोग दोनों हाथ उठा करके आज बाबा साहब के सम्मान में, माननीय बहन माननीय काशीराम साहब के सम्मान में और माननीय बहन कुमारी मायावती जी के सम्मान में इस नारे को लगाने के साथ प्रण लेंगे कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम लोग पूरी ताकत लगा करके बिहार के अंदर से सांसद बना करके बनाने का काम करेंगे, जिससे 2019 के इलेक्शन के बाद माननीय बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनने का काम करें। बाबा साहब बोल रहे हैं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।